हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में। हम बात करेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसा कि हमने अपनी मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वाली वीडियो में बात की है कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट कामों को अलग अलग मिनिस्ट्री में डिवाइड किया गया है। उनमें से ही सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री में से एक है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसका काम होता है देश की रक्षा को सुनिश्चित करना। वैसे तो हमारे देश की डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन जो भी डिसीजन उनके द्वारा लिए जाते हैं वो कैबिनेट यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस से ही लिए जाते हैं। डिफेंस मैटर से जुड़े अपने सारे डिसीजंस कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर लेती है, जिसके करंटली हेड हैं कैबिनेट मिनिस्टर राजनाथ सिंह। और इस मिनिस्ट्री में उनके अंडर एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी असाइन किए गए हैं, श्रीपद यसो नायक। डिफेंस मिनिस्ट्री का काम होता है डिफेंस फोर्सेस की पॉलिसीज फ्रेम करना और रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करवाना जो उन्हें देश की रक्षा करने के लिए चाहिए। डिफेंस आर्म फोर्सेस में हमारी तीन फोर्सेस आती हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। डिफेंस मिनिस्ट्री के फ्लैग की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें रेड कलर सिग्निफाई करता है इंडियन आर्मी को, ब्लू कलर सिग्निफाई करता है इंडियन नेवी को एंड स्काई ब्लू कलर सिग्निफाई करता है इंडियन एयरफोर्स को। इन सर्विसेज के अलावा एक और सर्विस इंडियन कोस्ट गार्ड भी इसी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। डिफेंस मिनिस्ट्री का काम होता है भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। इसके अलावा इस मिनिस्ट्री का काम होता है सभी रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर गवर्नमेंट के डिसीजंस को अपने अंडर आने वाले सभी डिपार्टमेंट्स में लागू करना और सभी डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। डिफेंस मिनिस्ट्री में करंटली टोटल 5 डिपार्टमेंट्स हैं, DOD डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, DDP डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DESW डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, और सबसे नया डिपार्टमेंट जो अभी रिसेंटली जनवरी 2020 में बना है वो है DMA डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। सभी डिपार्टमेंट्स को अलग अलग सेक्रेटरी द्वारा हेड किया जाता है, जिनमें से डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी पूरी मिनिस्ट्री के हेड और डिफेंस सेक्रेटरी कहलाते हैं। अब एक एक करके इन डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। DOD डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री की पॉलिसीज तैयार करना इस डिपार्टमेंट का काम होता है। इसके अलावा इनका काम होता है डिफेंस के अकाउंट डिपार्टमेंट को संभालना, तीनों सर्विसेज के ऑर्गेनाइजेशन को देखना, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट CSD, कोस्ट गार्ड, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, नेशनल डिफेंस कॉलेज एटसेट्रा भी इन्हीं के अंडर आते हैं। इसी डिपार्टमेंट को देश का डिफेंस बजट भी देखना होता है और पार्लियामेंट से जुड़े मैटर्स और फॉरेन कंट्रीज के साथ डिफेंस कॉपरेशन से जुड़े मैटर्स भी देखने होते हैं। नेक्स्ट बात करें दूसरे डिपार्टमेंट की तो वो है DDP डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। इसका काम होता है डिफेंस प्रोडक्शन और इंडिजिनाइजेशन ऑफ इंपोर्टेड स्टोर्स, इक्विपमेंट्स एंड स्पेयर्स, यानी डिफेंस फोर्सेस द्वारा यूज किए जाने वाले सारे हथियार और सुविधाओं का स्वदेशीकरण करना, यानी इनकी प्रोडक्शन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। अभी फिलहाल इंडिया का टारगेट है कि 2035 तक हमें सारे के सारे उपकरणों का इंडिजिनाइजेशन करना है। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट का काम होता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और सारी DPSUs डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जैसे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एटसेट्रा की प्रोडक्शन यूनिट्स की प्लानिंग और उन्हें कंट्रोल करना। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस डिपार्टमेंट का नाम आपने कई बार न्यूज वगैरह में सुना होगा। इसका काम होता है रिसर्च एंड इनोवेशन का। इसके अंडर कई सारी लेबोरेटरीज आती हैं जो अलग अलग फील्ड्स की डिफेंस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करती हैं, जैसे एरोनॉटिक्स, आर्मामेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैंड कॉम्बैट, इंजीनियरिंग, मिसाइल्स, नेवल सिस्टम्स एटसेट्रा। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है DESW डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। इस डिपार्टमेंट का काम होता है रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल से जुड़े मैटर्स को देखना, जैसे पेंशन, सर्विसेज एटसेट्रा। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है DMA डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ये डिपार्टमेंट इंडियन आर्म फोर्सेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से डील करता है। इसका हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इंटीग्रेटेड होता है। इसका काम मेनली इन तीन सर्विसेज से रिलेटेड ही होता है। ये डिपार्टमेंट तीनों सर्विसेज के कोलैबोरेशन को बढ़ाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की।
आजादी के बाद सन 1947 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को क्रिएट किया गया था, जिसके पॉलिटिकल हेड होते हैं एक कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्हें हम डिफेंस मिनिस्टर या रक्षा मंत्री भी कहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं एक सेक्रेटरी रैंक आईएएस ऑफिसर, जिन्हें हम डिफेंस सेक्रेटरी भी कहते हैं, जिनका मेनली काम एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस होता है। इनकी जिम्मेदारी होती है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के पांचों डिपार्टमेंट्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आने वाली इंडियन आर्म फोर्सेज के हेड्स को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ कहा जाता है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, जिसका काम होता है इन तीनों आर्म फोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, पॉलिसी, डॉक्ट्राइन या फिर वॉर फाइट एटसेट्रा से रिलेटेड। इसके हेड को पहले कहते थे CIDS, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, जिन्हें अब हम कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देश के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिन्हें 1 जनवरी 2020 को अपॉइंट किया गया था, वो है जनरल बिपिन रावत। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री में होती है एक चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जिसका काम होता है डिफेंस मिनिस्ट्री के पॉलिटिकल मैटर्स के साथ साथ सारे मिलिट्री मैटर्स से जुड़े इश्यूज पे डिफेंस मिनिस्ट्री को एडवाइस करना। इस कमेटी के मेंबर्स होते हैं तीनों सर्विसेज के हेड्स, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ, और इसके चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर जो यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स आते हैं वो हैं NDU, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, IDSA, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, DIAT, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, DIPR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एटसेट्रा। इसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर जो इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन आती हैं वो हैं NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, IMA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी, AFMC, आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज, RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, MES, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। तो ये थी डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर हमारी डिटेल्ड वीडियो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।